चलो भाई, थैंक यू वेरी मच। ठीक है प्रवीण, व्यारे के लिए जोरदार क्लास। सुनो आते फिर बाद में दे देना। प्रवीण मराठी में बोल दो आप, तो तुम तो महाराष्ट्र के ही हो ना? जय महाराष्ट्र मित्रांनो। हाँ महाराष्ट्र मित्रों बोल रहा, दोस्त मित्र मुझे दोस्त। अच्छा चलो, क्या बोलना चाहेंगे पहले तो ये बताओ, आप कब से काम कर रहे थे? मैं वैसा मी तसं तर की 4-5 वर्ष झालं काम करत होतो। मग माझी लँग्वेज तो मराठीच होती, मला हिंदी पण येते। मग जेव्हा मी मराठीमध्ये काय विचारत होतो, सांगत पण होते ते जे टॉपिक सर होते आणि विरोध सर, जे टॉपिक सरांना मराठी चांगली येते ते तिकडचे सरांना हिंदी, म्हणजे हिंदीमध्ये बोलू? हां बोलो 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 सही। ठीक आहे, सिखाने की लँग्वेज वगैरे अच्छी आहे, अपने की कोई लैंग्वेज होगी तो एडजस्टमेंट करने के लिए सर भी है। अगर मराठी चाहिए तो मराठी में, तेलुगु सिखाने के लिए तेलुगु भी है, हिंदी के लिए हिंदी भी है। प्लस लैंग्वेज के साथ साथ जो टेक्निक जो सिखाने के हैं, जो बच्चों को जो LKG UKG में जैसे जिस तरह से पढ़ाते हैं, जिस तरह से LKG UKG में AB से लेके 1-2-3 से लेके जैसा जो चीज़ पढ़ाते हैं, वो डायरेक्टली आए आप ऐसे निकालो, ऐसे रिवॉल्व करो। अरे तुम ऐसे निकालोगे रिवॉल्व करोगे, लेकिन उसका काम क्या है कुछ पता ही नहीं तो तुम करोगे क्या? हम पहले से तुक्के से काम करा देते, एक ऐसी निकाले बताए काम हो गया खत्म, लेकिन हुआ कैसे वो काम? कुछ प्रॉब्लम था क्या था उसके अंदर? फाइंड कैसा करना चाहिए, लाइन किसे बोलते हैं, ट्रेसिंग किसे करना चाहिए, ये सब बातें हमें पता चली। और थैंक यू तो फिर सर का तो बहुत ज़बरदस्त थैंक यू, क्योंकि मुझे जो कंपोनेंट कुछ काम करता है, क्या करता है कुछ नहीं करता है पता नहीं था, कॉइल आ गया कॉइल को उड़ा दिए, कैपेसिटर आया कैपेसिटर उड़ा दिए, LDO आया, ये जो कुछ भी करेगा सब उड़ा देते हैं। और मेन बात सागर सर ने ये जबरदस्त सिखाई, हम जब भी हैंडसेट लेकर जाते थे कि सागर सर करा के दो, सागर सर पहला बोलते थे कि तुम खुद करो, पहले ट्राई कर लो, पहले कर लो, अगर तुम बहुत तकलीफ हो जाएगी तो मुझे बताना। उसमें हमने इतना सीख लिया कि जैसे जबरदस्त अपने बॉडी के अंदर एक नस रहती है जो लाइन बोलते हैं, लाइन नस, वो लाइन से लाइन कैसा कनेक्ट करते हैं, वो लाइन में क्या चीज़ आती है, कहाँ ब्रेक होता है, हार्ट बीट अपना रुकता है नहीं रुकता है, उस टाइप में लैंग्वेज सिखाया हमें। बोल तो सिखा नहीं पता था ऐसे कि इंसान ऐसा लगना कि वो डॉक्टर ही बन गया मोबाइल का, ऐसा डॉक्टर एकदम ज़बरदस्त। अभी कुछ प्रॉब्लम आएगा अपने को तो वो बोलेंगे, मुझे पूछने भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम इतना खुद से कर लोगे, इतना ज़बरदस्त ट्रेनिंग है। सॉफ्टवेयर का तो वो सर नहीं, हमारे दोस्त है, चलो कुछ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसे वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन ज़बरदस्त है उनका जो बात करने का तरीका वगैरह, समझाने का तरीका ज़बरदस्त है, लव यू सर। अच्छा और ये बताओ प्रवीण, अभी कितने फोन बना लिए तुम, लेके आए थे? मैं कम से कम 15-20 फोन लेकर आया था, उसमें से मिनिमम 18 तो फोन बन गए, सिर्फ 2 फोन उसका MMC मेरे पास नहीं था अवेलेबल। सही बोल रहे हैं कि फेक बोल रहे हैं भाई? नहीं सही, दिखाना चाहिए तो दिखा दूंगा रूम। देखो भाई एक बार क्लैप्स कर दो इसके लिए, वाह 18 फोन बना लिए। अब ये भी बता दो, पहले आप 5 साल से काम कर रहे थे, पहले नहीं बन रहे थे और अब क्यों बने? पता ही नहीं था कैसा बनाते हैं, कर लेते थे निकाल लेते थे बटा लेते थे खत्म हुआ काम, नहीं बैठेगा तो छोड़ देते थे, या फिर दूसरा नजीक का दुकानदार होगा तो उसके पास जाते थे देते थे उसे, वो करके देगा उसकी मर्जी पर। तो नहीं अभी क्या है, खुद के पैर से कर सकते हैं अभी। अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ अगर उसे नहीं जमेगा तो मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा ट्रेनिंग लिया है मैंने। वाह दूसरे का काम अभी कर सकते हैं। और एक बात ये है, सब लोग लेके आए होंगे, किसी के कुछ बने किसी के कुछ बने, ये ट्रेनिंग सेंटर है अपना, दुकान नहीं है कि बना के मोबाइल पैसे कमाना है। सिर्फ एक ही बार डबल टेकर मुझे दिखाया सर ने, तो उस डबल टेकर पर मैंने 3 पीस बना दिए, जो शिवाज सर ने मुझे हैंड स्किल में दिखाया जो ड्रम, और सागर सर ने जो ड्रम क्लीन करने का टेक्निक जो बताए जबरदस्त एक नंबर, जो काम अपना जो जहाँ पे अटकता था अपना काम, तो बताने की टेक्निक से मैं समझ गया। और एक चीज है, आप कोई मोबाइल नहीं हो रहा तो खुद से मैं ही करूंगा बोल के रखे अपने पास ही। हाँ, मैं रखा हूँ, ठीक है, किसी को दिए नहीं, मैं खुद करूंगा हाथ से। और हाथ से करने से यही फर्क रहता है कि एक्सपीरियंस आता आपको। हाँ, ये बस, ठीक है। अभी इंडिया के अंदर क्या चल रहा है भाई, एक फोन पूरे बैच में टीचर ले रहे हैं और एक फोन बना के दे दे रहे और उसको क्लैप्स मार दे रहे। हाँ। लेकिन बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा कि फोन बना तो बना क्यों, कैसे बना। टीचर तो चलो भाई सालों से काम कर रहे हैं उन्हें तो कर लेते, लेकिन खुद हाथ से करने से क्या समझ में आता है? सब हमें समझ आता है, जब वो बताएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, जब आप उन काम करेंगे तभी समझ में आएगा। बहुत बार फेल हुए आप, IC बदले, IC बदलने से क्यों नहीं हो रहा काम, कंपोनेंट बदले क्यों नहीं हो रहा है काम, ट्रैक सही है कि नहीं है, ये खुद जब खुद मरे तो खुदा मिलता बोलते ना भाई, उसी तरीके से खुद करने का ही काम है ये। देखते अपन सीखते सिर्फ आइडिया के लिए, लेकिन करना तो खुद को ही है। और जैसे आप बताए कि पहले आ रहे थे तो सर बोले पहले तुम खुद करो, क्योंकि अगर पहले से आपको अगर आदत डाल देते
आदत अगर डाल देते तो दुकान जाकर भी आप वही करते, बात करेंगे फोन उठाते नहीं तो कोरियर भेजते। हाँ। अब इंस्टाग्राम में ऐसी चल रहा, काम नहीं सिखाते, तुम कोरियर भेज दो हम बना के देते, उसका चार्ज जो होता बोल देते उसको, तो फिर इन तो वही रह गए ना, फिर ट्रेनिंग लेके खुद बनाना है। बराबर है, वो बनाया बोल के तुम 18 पीस बन गए ना मेरे। हाँ। उसमें से दो पीस उन्होंने डबल टेकर एक बना कर दिया मुझे, दिखा है वो पहले बार, लेकिन बाकी पूरे पीस मैंने ही बना दिए, जो ग्राफिक्स का था, लाइट का था, चार्जिंग सेक्शन का था। चार्जिंग का सेक्शन का तो इतना छोटा प्रॉब्लम था, लेकिन उसको कम से कम 8 से 10 दुकान घुमा था मैं, जितने भी प्रॉपर बंदे हो सब ढूंढ के निकाले, लेकिन सब ट्रिक बताई वो ट्रिक पर से पता चला कि काम छोटा होता है लेकिन करना आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे छोटे चीजों में ही फंस जाते हैं, एक बड़ी कश्ती को डुबाने के लिए एक छोटा सुराख ही काफी है। अब ये बताओ, आप इंडिया में इतने इंस्टीट्यूट है, आप महाराष्ट्र में रहते, आप दिल्ली जा सकते थे, गुजरात जा सकते थे या MP जा सकते थे, लेकिन आप हैदराबाद क्यों आए यहाँ पर? मेरे दोस्त ने भी सजेस्ट किया था, मैंने वीडियो देखा था, और मैं ऐसा बंदा हूँ कि पहले बार ऐसे जाऊँगा तो किसी पास नहीं जाऊँगा, कम से कम 8 से 10 बार पूछूंगा, सबके रिव्यू देखूंगा, ये करूंगा। लेकिन आपके पास का मैंने 2-4 स्टूडेंट को भी देख लिया था, रिव्यू भी देख लिया था, तो मुझे पसंद आया। चलो, और मुझे वैसा तो महाराष्ट्र से हूँ मैं, नसीब भी पड़ता है प्लस, और यहाँ पे रहने की एक मेन बात प्लस क्या है, रहने का रूम वीम सब अच्छा है, रहना और खाने के लिए सुविधा वगैरह सब अच्छी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, इसलिए आया। चलिए, दोस्त ने भी सपोर्ट किया था मुझे, उसने सजेस्ट किया, उसका नाम प्रकाश है, उसने बोला कि वही तू कर ले एक बार, देख ले जाकर। वो आके गए थे यहाँ पे? नहीं, वो तो दूसरी तरफ गए थे, लेकिन उसने बताया मुझे जो नॉलेज मिला था वो उतना ठीक नहीं था, तो अच्छा। यहाँ पर जा, तुझे यहाँ अच्छा मिलेगा। वो वहीं पे जा रहा था मैं उनके पास ही, वो बोले वहाँ पे मुझे ठीक से नहीं मिला, किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बोला कि यहाँ पर आके यहाँ पे सीख तू, यहाँ पे थोड़ा अच्छा नॉलेज है। उसने भी 5-6 जन को पूछ कर ही मुझे भेजा यहाँ पे। उसको क्या बोलना चाहेंगे? थैंक यू बोलने वाला हूँ, क्योंकि पैसे बचा दिया उसने। टाइम भी बचा, पैसे तो देखो आते जाते रहते भाई, मेन इंसान का टाइम रहता है, जो अपन टाइम घर वाले छोड़ते नहीं पहले तो। इतनी दूर जा रहे बोले तो, आप शादीशुदा है कि नहीं? शादीशुदा हूं। और मुश्किल है, शादी हो गई बोले तो निकलना, तो समझ सकते बच्चे छोड़ते नहीं। अभी पिछले बैच में, नेक्स्ट बैच में एक स्टूडेंट कॉल करके ये बोले, सर मेरे 2 बच्चे हैं, बैच के बीच में एक दिन घर जाके आऊँगा बच्चों से मिल के, तो बात बच्चे भी छोड़ते नहीं घर में, ऐसा भी रहता। तो चलो, 20 दिन सफ़र आप गुजारे यहाँ पे, दिखाने होगा इतने लोगों में, ऐसा सारा 20 दिन जो गुजारे। हाँ। ऐसा लगाने होगा कि नहीं, ये फैमिली है मेरी। हाँ, थोड़ी बाहर के सब पूरा फैमिली है, और रहने का खाने को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी। लैंग्वेज में कोई? कुछ भी नहीं। बहुत जने फोन करके पूछते हैं, सर हिंदी में सिखा देंगे, तेलुगु में ही बोलते आप लोग? अरे बात पूरी मरते हिंदी में ही करते हैं, लेकिन पूछते हैं कि तेलुगु में सिखा दे क्या? तो पूरा ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आते तो तेलुगु लैंग्वेज में तो बात करना पॉसिबल ही नहीं है, सबको हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है पूरा कंफर्टेबल है, देश में चलता है अपना हिंदी लैंग्वेज। तो जो सोच के आए थे मिला आपको? 100%। चलो भाई, इनके लिए भी जोरदार क्लैप्स कर दो एक बार। चलो, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।